हमारी देखों ने, हमारे कलाकारों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, कई मीडिया तंत्र के माध्यम से देश की जनता की आवाज को बचाने का काम किया। सिद्धार्थ केस भी हो, गोखले जी का स्वराज हो, वीर सावरकर का गदर हो, महात्मा गांधी का जन इंडिया हो, इन सभी ने देशवासियों को एक स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए एक विचार दिया और आंदोलित करने का काम किया। और इसीलिए आज से नहीं, हमारी वीडियो की विशेषता और प्रमाणिकता हमेशा रही है, लेकिन प्रमाणिकता विशेषता बनी रहे इसके लिए आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज मीडिया के कई साधन और संचार हो चुके हैं, और इसलिए उस साधन संचार के अंदर स्वतंत्र मीडिया को, लेकिन समाज को सरकारात्मक रूप से हम मीडिया के विभिन्न तत्वों के माध्यम से समाज को अपनी बात पहुंचाएं, यह आज की आवश्यकता है। क्योंकि तकनीकी के युग में एक बड़ा बदलाव आया है, वो सोशल मीडिया का है, लेकिन सोशल मीडिया के अंदर जन जन की सक्रिय भागीदारी तो बड़ी है, लेकिन इस सोशल मीडिया का किस तरीके से सकारात्मक सही दिशा के अंदर भारतीय संस्कृति को जीवित रखते हुए हम इसका उपयोग करें, यह हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आज मीडिया के विभिन्न, चाहे ब्लॉग हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं, जिन संसाधनों का समाज सही तरीके से उपयोग करे, जनता की भावना हो, समाज के सभी तबकों की आवाज हो, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल हो, लेकिन इस सोशल मीडिया का सही तरीके से उपयोग होना इस वर्तमान समाज में हम सबके लिए चुनौती है। क्योंकि जो जो संचार और तकनीकी के साधन बढ़ते जा रहे हैं, वो हमारे समाज के लिए चुनौतियों भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम समाज के नौजवानों को इस संचार और सोशल मीडिया के माध्यम से क्या देना चाहते हैं, इसके लिए समाज को जागरूकता देना पड़ेगा और सक्रिय भागीदारी निभानी पड़ेगी। अगर हमने सक्रिय भागीदारी सही दिशा की ओर नहीं की, तो आने वाली समय में हमारे युवाओं पर इन तत्वों के माध्यम से सकारात्मक भूमि की दिशा की ओर भी बढ़ाने का काम करेंगे। और इसीलिए ये 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस अपने आप में कारगर साबित है, जिसने भारतीय संस्कृति और मूल्यों के अंदर मीडिया का प्रभाव, उस विषय पर सेमिनार हम नौजवानों को एक नई दिशा देगा, नई भागीदारी देगा कि किस तरीके से मीडिया के संचार का उपयोग सही दिशा की ओर, सकारात्मक तरह हो, और हम देश के नौजवानों को नई ऊर्जा, नई सामर्थ्य के साथ नए भारत के निर्माण की दिशा में इस मीडिया के माध्यम से योगदान निभा सके। इसलिए मीडिया का खास महत्व है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि दुधारी तलवार की तरह भी है, जो समाज में नकारात्मक भी फैला सकता है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सबने इन 3 दिवसीय सेमिनार में बहुत अच्छी तरीके से सवाल किया, वादवाद किया, चर्चा की, विमर्श किया। हमारे भारत के अंदर लोकतंत्र की यही पहचान है
कि हम विषय पर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, वाद विवाद करते हैं, सहमति असहमति भी होती है, पक्ष विरोध भी होता है, लेकिन हम अधिकतम समय विचार विमर्श से सर्वसम्मति से जो निर्णय होता है, देश की सरकार भी उस निर्णय को मानती है और समाज भी उस निर्णय को सकारात्मक दिशा में लेते हैं। मैं इस मौके पर उन सभी लोगों को जहाँ अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने के लिए उनको पुरस्कार मिला है, हम सबको नौजवानों को